तो दोस्तों, स्टूडियो आपने रोज देखा होगा, लाल काले कलर की दीवारें, पीछे से मस्त लाइट जल रही है। लेकिन ये तो भाई हो गई रोज की चीज़। और भाई आज का जो वीडियो है ना, एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने घर का वो हिस्सा, अपने घर की वो अलमारी जो कि भाई शायद ही कभी खोली जाती है। इवन पता नहीं लास्ट बार कब खोली गई होगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जो अलमारी है ना, हमारे घर के दादा दादी या फिर परदादा के टाइम की है, और उसमें वो लोग अपने कागज़, पैसे, पता नहीं और कई सारी चीज़ें रखते थे। तो चलो आज के वीडियो में मैं आपको उस अलमारी के पास ले जाऊंगा, मैं भी देखूंगा कि क्या है उसके अंदर, आपको भी दिखाऊंगा, और डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो भाई आज के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बनता है। मेरी मुंडी कट गई थी। तो चलो चलते हैं अपनी उस अलमारी के पास, देखते हैं क्या मिलेगा। तो भाई हम लोग आ गए हैं उसी रूम में, उसी अलमारी के पास, ये देखो। और आपको यहाँ की हालत देख के मालूम चल ही रहा होगा कि भाई ये कमरा कितना ज़्यादा पुराना है और ये अलमारी कितनी ज़्यादा पुरानी है। और वास्तव में यहाँ पे इससे ज़्यादा अंधेरा होता है, मुझे वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी है। एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ दिखाओ इतनी ही रोशनी होती है, मतलब देख लो। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के वाइट टी शर्ट पहनी है ताकि थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे नज़र आऊँ, नहीं तो क्या पता मैं आपको कैमरे में ही नज़र ना आता, इतना पुराना ये रूम है। मैं चाबी मांग लाया हूँ और ताला लिम्बा कंपनी का है, शायद इतना पुराना नहीं है। जो दादी के जमाने का ताला था, वो उसकी चाबी जो है ना, दादी अपने गले में पहना करती थी, मुझे आज भी याद है। और उसका ताला अब पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन हम लोगों ने ताला बदल दिया है, इतना बड़ा ताला होता था और चाबी वो हमेशा गले में पहना करती थी। तो यहाँ पे वैसे एक और अलमारी है, ये देखो, ये भी लकड़ी की है, लेकिन मम्मी ने इसे ओपन करने के लिए से मना किया है। अगर आप लोग कहेंगे इस वीडियो में 1,00,000 लाइक्स आएंगे तो ही मैं इस वाली दूसरी अलमारी को ओपन करूँगा। यहाँ पर इसकी सिक्कने देखो कितने अजीब तरीके के बने हुए हैं, ये भी बहुत पुरानी अलमारी है। तो चलो फाइनली इस अलमारी को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रखा है। मैंने शायद ही पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत साल बाद इसे ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं है। कौन सी चाबी है यार, यही होगी, हो गई अलमारी। तो यहाँ पे एक्सेस करने लगी हुई है, ओके। तो यहाँ पे कुछ पन्नियाँ हैं, पन्नियों में कुछ कागज़ वगैरह हैं, और आप लोग देख लो पूरा खोल दिया एक सूटकेस रखा हुआ है, पता नहीं किस जमाने का है। और यहाँ पे ये तो कुछ पुरानी रसीद रखी हुई है, ये देखो फागो मेंटल के डिब्बे में। और ये एक बांट मिला है यहाँ पे मुझे छोटा सा, एक और बांट मिला है, इसे मैं रख लेता हूँ, शायद धो धा के वजन करने के काम आएगा। तो ये देखो कितनी पुरानी रसीद का बॉक्स था यहाँ पे, ठीक है, और ये बांट मेरे काम आएगा। इन सब पन्नियों को मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज़ ढूंढने आया हूँ वही ओपन करूँगा। अरे वाह, यहाँ पे दोस्तों देखो 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 देखो, यहाँ पे मुझे एक बल्ब मिला है, ओबे यार एक बल्ब मिला है, ये देखो फोकस करो, इस पर फोकस करो, कितना बड़ा बल्ब मिला है, ये काफ़ी बड़ा बल्ब है, कितने वाट का है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और ये बल्ब अभी भी सही है यार, ये नटराज कंपनी का बल्ब है, ये देखो नटराज की पेंसिल आती हैं, पता नहीं कब से ये बल्ब रखा हुआ है। और यहाँ पे चूहों ने खूब कतरन मचाई है यहाँ पे जहाँ बल्ब था, और यहाँ पे खूब सारे इतने सारे शादी के कार्ड पता नहीं किसके रखे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने हैं। यहाँ पे भी सब कागज़ पत्तू
मैं यहाँ पे स्पेशली मैंने पूछ लिया था इस चीज़ के लिए आया हूँ जो कि इस पन्नी के अंदर डिब्बे में रखा हुआ है। तो ये है असली खजाना, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी का आप लोग देख लो, इतना ही कुछ है। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि दादी ने कुछ स्पेशल चीज़ रखी है, तो इसलिए मैं वीडियो बना आपको दिखाता हूँ। तो चलो इसे ले चलते अपने रूम में और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसे बंद करते हैं वापस अलमारी को। ओके, यहाँ पे एक बोनी निप्पल का डिब्बा रखा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना है। देखो बहुत पुराना है, कितना ज़्यादा पुराना डिब्बा है यार। इसे बंद करते हैं, ज़्यादा नहीं छेड़ें छाड़ेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं, देखते हैं उस बॉक्स में हमें क्या मिला है। जल्दी से चलो चलते हैं। दोस्तों ये बॉक्स सच में बहुत ज़्यादा भारी है। आप अब थोड़ा बहुत जान के होंगे कि इसमें क्या है। लगभग कुछ ऐसी ही चीज़ क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई ने दिखाई थी कल के वीडियो में, तो मुझे भी होश आया कि मेरे घर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो भाई इसके अंदर हैं इतने ज़्यादा पुराने ज़माने के सिक्के, और बहुत ही अलग अलग तरीके के सिक्के हैं और बहुत भारी हैं। और मैं आपको कुछ नोट भी लेके आके दिखाता हूँ और उसका वज़न दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा इसका वज़न है। तो भाई यहाँ पे इस लिफाफे में काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट्स, और इसका वज़न है 3 किलो 130 ग्राम के आसपास। बहुत ज़्यादा भारी है। इसको रखते हैं साइड में और इसको पलट देते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन से सिक्के हैं। ओ हो, तो भाई ये देखो, ये क्या, यहाँ पे एक चाबी भी है। एक एक करके सब देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है 1 पैसा, रुपए का 1/2 भाग। तो ये 1 पैसे का सिक्का है 1964। बहुत ज़्यादा पुराना है, लगभग 50 साल तो इसको होने ही वाले हैं ना। और ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है यार, पता नहीं कौन सा सिक्का है। 10 पैसे का सिक्का है, रुपए का 1/10 भाग, 1971। और ये पुराने जमाने का बांट। और क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये क्या है, छल्ले टाइप। देखो ये कितने अजीब पैसे हैं, ये पता नहीं 1 पैसा 1947। ये वाकई में बहुत ज़्यादा पुराना सिक्का है यार, देख लो बिल्कुल अजीब टाइप का है। 1945, ओ माय गॉड, 55 + 22 कितना हो गया, 77 ईयर ओल्ड, ओ माय गॉड। और देखते हैं 20 पैसे हैं यहाँ पे 1970 के, 5 पैसे हैं रुपए का 20वां भाग, कितना अजीब टाइप का सिक्का है। और कुछ दिख जा, मैं महारानी बनी है। 1893 1/4 आना इंडिया, 1893 लगभग 130 साल पुराना सिक्का है यार ये तो। माय गॉड, मैंने इतना पुराना मिलेगा मैंने नहीं सोचा था यहाँ पे। तो सच में ये दादा पर दादा के टाइम की चीजें हैं इस सिक्के से मालूम चल रहा है। देख लो यार 130 साल पुरानी चीज यहाँ पे मुझे मिली है, 130 साल। यहाँ पे, अरे वाह, यहाँ पे 3 पैसे का भी सिक्का है, तो ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे 10 पैसे के भी सिक्के हैं, 20, तो ये देखो ये 1 पैसे के सिक्के हैं, शायद ये आज़ादी के पहले के हैं
ये 2, 3, 5, 10, 20 और ये तो भाई इसने तो हद ही पार कर दी, 1893। सच में मज़ा आ गया इसे देख के। अगर आपको इसे देख के मज़ा आ वीडियो को लाइक जरूर से करना। अभी यहाँ पे मेरे पास एक लिफाफा भी है, इसमें देखते हैं क्या है। तो भाई मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, मैंने अभी जैसे 130 साल पुरानी चीज़ अपने हाथों से पकड़ी, देखी भी और आपको भी दिखाया। और इस लिफाफे में आई थिंक नोट हैं। अबे यार फाड़ूंगा नहीं। ओफो ये, ओ भाई आओ जल्दी आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे पुराने टाइम की नोट हैं इस खजाने में। एक की है ओके, दो की है, पांच की नोट है, यहाँ पे पलट लेता हूँ मैं, पांच के बाद पांच की थोड़ी नई चमचमाती नोट भी है, दस की नोट है पुराने जमाने की, ये देखो उसमें से कुछ नई भी, कितने संभाल के रखी गई हैं इतनी पुरानी नोट, और 20 की चमचमाती हुई पुरानी नोट है यार। और भाई ऐसी नोट देखने को नहीं मिलती हैं, 50 की है ये देखो, 100 की इतने पुरानी नोट है, और 100 की देख लो, ये क्या, ये कहाँ से आ गई। लो एक 500 की नोट भी पड़ी हुई है इस कलेक्शन में। ओ माय गॉड, ये दो की सबसे मस्त लगी। आपको कौन सी नोट सबसे देखने में मस्त लगी कमेंट में बताना। तो दोस्तों अभी मैं इन चीज़ों को वापस से पैक करके वहीं पे रख देता हूँ जहाँ से लाया हूँ, जिसकी अमानत है। तब तक आपको वीडियो पसंद आया भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलकन जरूर से दबा देना। तो भाई इस वीडियो में बस 130 साल पुराना तक का खजाना है। टाटा बाय बाय, मज़ा आ गया देखिए।